तो हम लास्ट क्लास में पढ़ते थे वैसे. चलो ठीक है, बेसिकली हम स्टार्ट करना है लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में. तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन है, बनते हैं मिसिसिबल, पार्शियल इमिसिसिबल और इमिसिसिबल. तो मिसिसिबल कोई चीज कब होगी, जब कोई चीज पूरी तरीके से एक जैसी हो, अगर एक पोलर है तो दूसरा ही पूरी तरीके से पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक. इमिसिसिबल कब होगा, जब मेरे पास एक होगा लाइक, मतलब एक पोलर है और एक होगा अनलाइक, राइट, नॉन पोलर, तो वो इमिसिसिबल माना जाएगा. और पार्शियली का मतलब, जैसे मान लो एक पोलर है और एक कोई भी चीज है उसका थोड़ा सा पार्ट पोलर है बस, और बाकी पार्ट नॉन पोलर है, तो सिर्फ इतने हिस्से की वजह से तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, इतने हिस्से की वजह से नॉन सॉल्युबल. ठीक है भाई, तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नो है? नो सर। सर. तो अगर मैं यहीं पर इमिसिसिबल की बात करूंगा तो कोई एग्जांपल दे सकता है क्या चीज किसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है इमिसिसिबल के अंदर? इथेनॉल, वाटर, ठीक है, और कोई एग्जांपल? अच्छा जैसे मान लो सोल्ट बेंजीन, देखो वाटर, बेंजीन, जैसे एल्कोहल और वाटर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेरे पास क्या है, पोलर होता है, एल्कोहल के पास OH होता है ना, इसीलिए. लेकिन अगर एल्कोहल बहुत बड़ी हो जाए, अगर एल्कोहल को मैं वो बोल दूं, पार्शियली हो हाँ, जाएगा। अगर मैं बोल दूं, मैंने बोला डेकेनॉल, डेकेनॉल में 10 कार्बन होते हैं और एक OH है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी कार्बन के होने की वजह से वो मिक्स नहीं हो पाएगा, राइट. तो एल्कोहल एंड वाटर तो सबको तुम जानते ही होगे. यस, तो ये मेरे पास क्या है श्रेया, फाइंड दैट. तो ये है मेरे पास मिसिसिबल, सर ठीक है. अच्छा, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? यस, तो मेरे पास है बेंजीन मान लो, और एक मेरे पास है टोलुइन. तो बेंजीन क्या है, पोलर होती है अपने आप में या नॉन पोलर? नॉन नॉन पोलर. पोलर, अच्छा, ये वाले, एक सेकंड एक सेकंड, ये वाला एग्जांपल लूंगा मैं. मिसिसिबल की बात चल रही है ना, तो अगर मैं मिसिसिबल की बात करता हूँ तो वैसे तो देखो, अब अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ना एक होता है कि कम्प्लीटली जैसे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी में है ही नहीं, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो अगर मैं बेंजीन के साथ लूंगा तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH3, हाँ ठीक है, ले सकते हैं. तो अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन पे अगर मैं टॉल्यून ले लूँ, तो उससे भी कोई वो कोई पोलर नहीं बन जाएगा भाई. बेंजीन पे अगर CH3 डाल दोगे तो टॉल्यून बन गया, तो वो कोई पोलर थोड़ी होता है, कोई नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आता है, राइट. तो ये भी मेरे पास क्या है, तो ये वाला एग्जांपल क्या हुआ, पोलर का ही हुआ या नॉन पोलर का हुआ, दोनों का? नॉन नॉन पोलर. पोलर, नॉन पोलर का हुआ, ठीक है. तो ये क्या है मेरे पास, कंप्लीटली मिसिसिबल. अच्छा ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं इमिसिबल की बात करूं तो इमिसिबल में क्या आ जाना चाहिए, एक पोलर और एक नॉन पोलर, राइट. वाटर और बेंजीन। ठीक है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वाटर मेरे पास पोलर है और बेंजीन मेरे पास नॉन पोलर है. तो बेंजीन ले लो और मेरे पास वाटर ले लो, या फिर ये भी बोल सकते हैं जैसे ऑयल होता है, राइट, ऑयल भी पूरी एंड तरीके से, वाटर, हाँ, तो वो भी मिक्स नहीं हो पाता, ऑयल वाटर, ठीक है. या फिर क्लोरोफॉर्म ले लो, जैसे पेट्रोल होता है ना, जैसे इस तरीके से कोई भी क्लोरोफॉर्म है मेरे पास, और वाटर ले लो, तो ये भी मिक्स नहीं हो पाएगा. ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक किसी कोई नहीं। कोई भी, ठीक है भाई. तो आई होप ये वाला सिंपल है. अच्छा देखो, अगर मैं जैसे वाटर है और फेनॉल है, तो जरा बताना एक बार, ये फेनॉल है तो फेनॉल का इतना हिस्सा तो पोलर हो गया, लेकिन इतना हिस्सा पोलर नहीं है, और एक मेरे पास वाटर है, तो वाटर तो पोलर होता है, तो ये क्या होगा मेरे पास, फेनॉल और वाटर. पार्शियल, बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इतना हिस्सा डिसॉल्व हो जाएगा पोलर के अंदर, ये वाटर पूरा पोलर है और ये वाला इतना हिस्सा पोलर है, इतना हिस्सा पोलर है ही नहीं, तो ये चीज तो डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, पार्शियली सॉल्युबल. सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नो ठीक है, तो सर। ये तो हमारे पास हो गया सिंपल लिक्विड एंड लिक्विड के बारे में. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, यस, तो अब मेरे पास आता है गैस एंड लिक्विड. पहले हमने सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं हम गैस एंड लिक्विड के बारे में. अच्छा, गैस एंड लिक्विड की अगर मैं बात करता हूँ, देखो तो क्या लगता है, जो सॉल्युबिलिटी होती होगी, जैसे कोई भी सॉलिड है तो अगर हम गैस डालते हैं, राइट, जैसे कोई भी गैस एंड लिक्विड के बारे में, तो सॉल्युबिलिटी कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती होगी, क्या लगता है, कोई बता सकता है? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर सबसे इंटरैक्शन, इंपॉर्टेंट एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि CBSE में आता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड. अच्छा, वो जो पीते हैं हम लोग पेप्सी वेप्सी कोको कोला, ये सब चीजें जो पीते हैं, तो तुमने नोटिस किया है कि ये जब भी हम खोलते हैं तो ये हाई प्रेशर पे, मतलब एक आवाज भी आती है टक एकदम से, तो वो क्या होता है, इसको मतलब उसको हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है. कोई बता सकता है क्यों उसको हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है? इसका मतलब गैस और लिक्विड का प्रेशर से कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो उसे हाई प्रेशर में फिल किया गया था. और अगर तुम पेप्सी को खोल के रख देते हो तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है. कल से कुछ लोगों को वही पसंद होता है, जैसे श्रेया क्या करती है, 2 दिन बाद पीती है खोलने के बाद, कहते हैं वही मेरे को पसंद है. वेरी गुड, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन करें. यस, शिट, सब लोग अपनी वीडियो ऑन करें, मैं भूल गया था. यस सर श्रेया, मैं तो लाचार हूँ सर, तुम चुप हो जाओ, अभी मैं तुम्हारी नहीं लाचारी कर दिखाएंगे, तुम्हारे घर पे कॉल करता हूँ मैं.
दीक्षा कृति एवरीबडी विदुषी तरफदार अक्षत इशिका सब लोग अपने वीडियो ऑन करें सर प्रियांशु प्रियांशु सब लोग ऑन करें सर कर रही हूं सर 5 मिनट ना तो डीपी लगा रखी है ना ना वीडियो ऑन कर रखी है इतनी बार डीपी निर्देश दिया ना हम लोगों को क्या देखना है आपको डीपी तुम चुप हो जाओ खुश यस तो अब मेरे को सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है तो देखो सब लोग ऑन करेंगे 5 मिनट का टाइम है मेकअप मत करना सिंपल जो वैसे आओ सिंपल 12th के बच्चे बताओ मेकअप कर रहे हैं हां तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी मेरे पर कौन-कौन से एक तो पहली बात गैस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारी गैस कैसी है ठीक है ना जैसे कुछ गैस बहुत बड़ी होती है पार्टिकल उनके बड़े होते हैं कुछ गैस बहुत छोटी होती है तो किस टाइप की तुमने गैस ली है तो गैस के नेचर पे तो डिपेंड करता ही है भाई कोई कुछ गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है तो वो सॉल्युबल हो जाएंगी कुछ गैस लिक्विड में बनती ही नहीं है कुछ गैस सिर्फ गैस फॉर्म में ही रहती है तो वो इजीली लिक्विफाई नहीं होती है तो उसके ऊपर तो डिपेंड करता होगा पक्की बात है किस टाइप की गैस ली है ठीक है अच्छा अब गैस को किस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा राइट भाई तुम गैस को किस चीज के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो इस चीज पे तो डिपेंड करता ही है तो नेचर ऑफ द लिक्विड ये तो एक तरह से वही वाली बात है मान लो कोई लड़का है तो उस लड़के का खुद का नेचर कैसा है कंपनी को इससे फर्क पड़ता है और कंपनी कैसी है उसको उससे ही फर्क पड़ता है तो दोनों ही चीजें होती है राइट तो वही वाली बात है नेचर ऑफ द गैस और नेचर ऑफ द लिक्विड दोनों ही चीजें डिपेंड करेंगे अच्छा और अभी मैंने क्या बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेशर तो गैस को एकदम हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है हाई प्रेशर पे फिल किया जाएगा तो वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड करता है अच्छा और अच्छा क्या टेम्परेचर भी हो सकता है क्या यस सर टेम्परेचर भी गैस की सॉल्युबिलिटी पे फर्क डालता है तो टेम्परेचर ठीक है भाई तो अब देखो अभी किस किस तरीके से करना है हमें देखो नेचर से मतलब क्या है मेरा जैसे मान लो नेचर है तो कुछ जो गैस होती है देखो अब कुछ गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होंगी या कम सॉल्युबल होंगी ज्यादा तो जो मेरे पास लिक्विफिएबल गैस होते हैं जो इजीली लिक्विफिएबल मतलब हो जाती है तो लिक्विफिएबल गैस मेरे पास मोर सॉल्युबल होती है और जो गैस मतलब लिक्विफाई नहीं हो पाती वो नहीं होंगी तो ये सॉरी मोर सॉल्युबल ठीक है उस लिक्विड के अंदर यहाँ तक कोई डाउट है नो सर अब आता है मेरे पास नेचर ऑफ लिक्विड तो अगर मैं नेचर ऑफ लिक्विड की बात करता हूँ तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा देखो अब ऐसा देखा गया है कि जो लिक्विड है मेरे पास अगर वो लिक्विड मेरे पास आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जैसे कोई भी एक सॉल्वेंट है अगर कोई भी सॉल्वेंट जैसे देखो नेचर ऑफ अगर मैं यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो अगर कोई भी गैस है जैसे मान लो मैंने HCl के फ्यूम्स की बात करी ठीक है और मैंने वाटर लिए तो अगर मान लो मैं HCl के फ्यूम्स की बात कर रहा हूँ तो क्या HCl अगर फ्यूम्स अगर वाटर के अंदर जाएंगे तो क्या वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जो मैंने गैस डाली H+ और Cl- क्या लगता है क्या वो कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल हो जाएगा राइट तो अगर वो आयंस के फॉर्म में हो गया तो बताओ अब वो एक तरह से H+ है और H2 है तो H2O के अंदर H+ आ गया तो बताओ वो H3O+ बन जाएगा नहीं बन जाएगा प्रॉपर्टी भी देखी ना तुमने एसिड की एसिड हैज एबिलिटी टू गिव H+ आयन तो अगर तुम HCl लेके चलोगे और H2O में डालोगे तो वो क्या बन जाएगा H3O+ और बन जाएगा Cl- तो इस तरीके से वो इक्विलिब्रियम में रहता है तो बताओ ये सॉल्युबल पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा यस सर तो इसका मतलब तो अगर मैं बात करूंगा कोई भी गैस जो इजीली आयन देती है लिक्विड के अंदर जाने से अ गैस व्हिच कैन प्रोड्यूस आयंस इन लिक्विड तो इसका मतलब वो मेरे पास ज्यादा सॉल्युबल होगा कोई डाउट है इसके अंदर कुछ तुम्हारे घर से आवाज आ रही है ठीक है तो जैसे कि ये HCl है HCl को तुम अगर H2O में डालोगे तो H+ देगा वो तो मेरे पास क्या बन जाएगा H3O+ ये रिएक्शन है अगर तुम्हें याद हो तुमने वहां पे पढ़ी थी इक्विलिब्रियम के अंदर राइट तो इस टाइप को हम बोलते हैं वो सॉल्युबल हो गया है अच्छा प्रेशर की बात करते हैं क्या लगता है यार प्रेशर ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती होगी कम होती होगी ज्यादा देखो जो पेप्सी लेते हो कोका कोला लेते हो माजा वाजा में तो कोई प्रेशर नहीं होता माजा में कोई प्रेशर नहीं होता है माजा से कोई माजा एक सिंपल एक ड्रिंक है तो उसको पी सकते हैं लेकिन जो पेप्सी और कोका उनके अंदर गैस होती है ठीक है तो उसको हाई प्रेशर के साथ गैस मिक्स की जाती है क्यों क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो उस लिक्विड में मिक्स रहता है जब हम खोलते हैं तो उससे क्या होता है उसके अंदर जितनी भी गैस फिल की गई थी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तो वो सारी सारी बाहर निकलने लग जाती है राइट यस और नो तभी तो वो जैसे पेप्सी को तुमने खोल के रखा तो एक घंटे बाद टेस्ट और जब तुमने खोला तो तब का टेस्ट दोनों में फर्क होता है राइट तो जब तुम स्टार्टिंग में लेते हो उसे तो उसमें जो टेस्ट आता है वो लिक्विड प्लस गैस का टेस्ट आता है
ठीक है, लेकिन जब 1 घंटे 2 घंटे बाद लोगे तो सिर्फ वो लिक्विड का टेस्ट होगा, गैस तो सारी स्केप कर गई, बाहर निकल गई सारी की सारी गैस. इज दैट क्लियर? यस सर. तो इसका मतलब तो उसको हाई प्रेशर पे, देखो उसको जो ढक्कन है वो एकदम इतना हल्का, जैसे मतलब माजा वाजा लेते हो, स्लाइस लेते हो, तो उसका ढक्कन कोई वैसा होता है क्या? नहीं, उसके ढक्कन को सिंपल हम खोल सकते हैं, लेकिन जो वैसे वाले कंच की बोतल होते हैं उसको एकदम हाई प्रेशर पे रखा जाता है, एकदम तगड़ी वाले प्रेशर पे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस है बहुत ज्यादा, तो जब खोलते हैं इसलिए आवाज भी आती है. तो इसका मतलब जितना ज्यादा मेरे पास प्रेशर होगा उतनी ज्यादा मेरे पास क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी. तो मोर इज द प्रेशर, मोर इज द सॉल्युबिलिटी. लेकिन ये चीज हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? ध्यान रखना, ये गैस एंड लिक्विड की बात चल रही है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट को उठा के कहीं पे भी अप्लाई मत करवा देना कि नहीं नहीं ये तो मतलब ये तुमने लाइन देख ली और ये लाइन को तुमने कहीं पे भी अप्लाई करवा दिया रैंडम स्टेट में. ये जब टॉपिक गैस एंड लिक्विड का चल रहा है तो गैस एंड लिक्विड के लिए ही अप्लाई करवाना है, ठीक है? रैंडम कहीं भी, ये यूनिवर्सल फैक्ट मत समझ लेना, इसे किसी के लिए भी अप्लाई कर देंगे. ये सिर्फ इस चीज के लिए वैलिड पढ़ रहे हो तुम जब गैस एंड लिक्विड होगा. इसी तरीके से जब मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो क्या लगता है टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता होगा, क्या लगता है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती होगी, डिक्रीज करती होगी? डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज. गैस लिक्विड में ना? हाँ, गैस एंड लिक्विड में क्या लगता है? यस तरफदार, क्या लगता है अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए कम होनी चाहिए? डिक्रीज होगी. अच्छा, जब चाय बनाते हैं तो तब तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो फिर कैसे? सोचो सोचो. अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं इंक्रीज करेगी? एक बार जरा अपने हैंड रेज करें यहीं पर ही. टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी. ओके, रितेश कह रहा है, और कोई? तीन लोग कह रहे हैं, वेरी गुड. बस तीन लोग ही कह रहे हैं, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है. अच्छा, आप 6 लोग कह रहे हैं, वेरी गुड, 5 हो गए. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, ऐसे तुक्के लगा रहे हो बस. जरा सा वो कर दो, देखो तो वापस हो गए सारे के सारे हैंड. तो ये टेम्परेचर का, भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, चाय के अंदर कौन सी गैस होती है जरा बताना एक बार? चाय में कोई गैस नहीं होती है, वो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल होता है. तो सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जांपल है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. यहाँ पे गैस की बात चल रही है, मुझे एक जरा बात बताओ, अगर कोई भी लिक्विड है जिसके अंदर गैस है, अगर तुम उसे हीट करोगे तो जितनी भी गैस उसके अंदर होगी वो सारी सारी एस्केप नहीं कर जाएगी? सारी सारी गैस हवा में नहीं उड़ जाएगी? किसी भी चीज को तुम हीट करोगे तो सारी गैस तो निकली गई उसकी, तो फिर उसके अंदर कोई गैस बची है क्या? जब गैस ही नहीं रही तो सॉल्युबिलिटी कहाँ से बढ़ेगी? नहीं समझ में आया? जब बच्चे ही नहीं है तो टॉप कहाँ से करोगे? ये मैंने एग्जांपल गलत ले लिया यहाँ. तो हमारे पास अगर कोई लिक्विड है, ठीक है श्रेया, तो अगर कोई भी जब गैस ही नहीं है तो मिक्स होने का सवाल ही नहीं उठता है. तो इसका मतलब जब ज्यादा टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो एक बात बताओ, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज करनी चाहिए डिक्रीज करनी चाहिए? डिक्रीज, डिक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी. अरे किसी घर से आवाज आ रही है, कौन है जो बाइक पे जा रहा है? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? ऐसा क्यों, क्या रीजन है? वैसे इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये टेम्परेचर वाले को हम इस डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ऐसा क्यों? कहना इसे जो गैस होती है वो एस्केप कर जाती है सरफेस को. yes, sir. और सरफेस को ही नहीं, अंदर से भी कर जाती है. तो गैस एस्केप, और या फिर ये बोल सकते हो एक्सपेल्ड भी बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि वो बाहर निकल जाती है सारी की सारी. हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो सरफेस से निकलते रहेंगे ना, सिंपल. अच्छा, अब इसी चीज को, ये टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हुए एक साइंटिस्ट बड़ा ध्यान से सोच रहा था, कह रहा अच्छा ये सब. तो एक साइंटिस्ट आया, तुम चुप हो जाओ. हाँ, तो जरा सा तुम्हारा कोई फेवरेट वर्ड आ जाए बस तुम पागल हो जाते हो. तो अब हमारे पास कौन आया? हेनरी आया. तो हेनरी ने अपना एक लॉ देने की कोशिश करी. तो हेनरी ने क्या बोला कि ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर गैस की सॉलिडिटी कम हो रही है तो इसको किसी ना किसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हेनरी ने पता क्या बोला, कह रहा अगर मेरे पास कभी, तो इसने एक चीज समझाई हमको कि ये प्रेशर और टेम्परेचर का रोल कुछ अलग ही है. तो इसने बोला अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ. इन्हने बोला कि अगर मैं कहीं भी टेम्परेचर को फिक्स कर दूंगा, मतलब एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रूम का भी, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के. तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी मेरे पास उतनी ज्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए.
तो क्या लगता है कि इसकी बात में कोई दम है? क्या लगता है, क्या ये सच है? होगा ही, तभी तो पढ़ रहे हैं इसके। नहीं क्या पता, मैं ये क्या पता मैंने स्टेटमेंट ही गलत बोली हो और ये कुछ हो। अभी जो स्टेटमेंट है क्या तुम उससे एग्री कर पा रहे हो? सर स्टेटमेंट रिपीट कर दो एक बारी। हाँ, इसने बोला कि अगर टेम्परेचर को मैंने फिक्स रखा हुआ है, चेंज नहीं करा, मान लो अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। क्या ये सही लग रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, हैनरी लॉ ने। लेकिन ये स्टेटमेंट ना उसकी थोड़ी अजीब थी, ठीक है कि तो बात हम सबको पता ही है, ये बात तो पहले ही आ गई ना प्रेशर के अंदर, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, बस तुमने कांस्टेंट टेम्परेचर जोड़ दिया, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज करने से गैस ही हट जाएगी तो फिर तो फर्क आ जाएगा। तो उसने ये दो चीजों को देख के ही अपनी स्टेटमेंट को पेश कर दिया अच्छे से, इन दो चीजों को पढ़ के। तो अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसने फिर बाद में एक टेक्निकल डेफिनेशन बोली, ये है जनरल डेफिनेशन। ठीक है, ये इसने क्या बोली है, एक जनरल बात बोली है, क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास, जो सॉल्युबिलिटी होती है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। यस, तो वी कैन से दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है। ध्यान रखना ये कहीं पे भी अप्लाई मत कर देना, लिक्विड विक्विड कहीं के लिए या सॉलिड के लिए अप्लाई करवा दो इसको, ऐसा नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात चल रही है तो उसे ये बात करनी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज, और यू कैन से लाइक इन अ लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज directly proportional to the pressure of the gas. Okay? तो ये इसकी जनरल स्टेटमेंट माना जाएगी या टेक्निकल स्टेटमेंट? जनरल इसकी। अब इसने एक टेक्निकल डेफिनेशन भी दी है। अब टेक्निकल डेफिनेशन में आई गेस तुम लोगों ने एक चीज, मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी याद है, कि जब तुम 11th क्लास में थे तो एक पहला चैप्टर था, देखो याद है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब नॉर्मैलिटी, ये सब चीजें कुछ कुछ याद आ रही है हल्की हल्की। yes, तो अब ये चैप्टर के अंदर हमें वही सब पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत ये वाला चैप्टर थोड़ा डिटेल में है, लेकिन है ये सब वही आने वाला है, वही सब, ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन जिसमें हम निकालते थे, तो फर्स्ट चैप्टर जैसा ही है, बस थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लेन है इसके अंदर। तो अब हेनरी लॉ की टेक्निकल स्टेटमेंट क्या आई, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है, मतलब जो गैस का जो अमाउंट है, जो पार्ट, जैसे गैस के लिए मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम में, कि गैस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं या प्रेशर लेते हैं इक्विलिब्रियम में, याद करो, प्रेशर, जैसे जब लिक्विड था तो केसी आया था, और जब गैस होता तो केपी निकालते थे, याद आया, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो गैसेस के लिए मेरे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। तो इसने बोला जो जो गैस है, जो एक गैस वेपर फेज के अंदर है, मतलब वेपर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर उसका पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी उस जितना भी उसका मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन तो एक तरह से हम कैसे निकालते हैं, याद आया ना, जैसे मान लो ए गैस है और दो गैस टोटल है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, राइट, एन ए अपॉन एन ए प्लस का एन बी, याद आया कुछ? yes, प्रोबेबिलिटी yes, का जो चाहिए होता है वो ऊपर, जो टोटल होता है वो नीचे, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो सारे बच्चे लिखे फिर इसे टेक्निकल को, यस लिखो, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, डेफिनेशन को चेंज मत करना एग्जाम के अंदर, सीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने डेफिनेशन चेंज करी तो वो मार्क्स चेंज कर देगा, फिर मत बोलना ये क्यों कर दिया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, क्योंकि साइंटिस्टों की स्टेटमेंट को तुम चेंज नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी साइंटिस्ट है, ये कोई ऐसे नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिखते जा रहे हो, डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग सो वी हैव टू डील विद इट, ये सब बकवास नहीं लिखनी, ये साइंटिस्ट की डेफिनेशन है। सही बात। तुम्हें उसकी डेफिनेशन को सेम टू वैसे ही लिखना होता है, क्योंकि वो उनकी उनकी कथन है उनकी, क्या, ठीक है। तो यस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज, तुम बहुत ज्यादा समझ रहे हो आजकल, यस, इज प्रोपोर्शनल टू द, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन। अच्छा, तो पार्शियल प्रेशर हम एक गैस के लिए बोलते हैं या बहुत सारी गैस के लिए बोलते हैं? एक गैस, बहुत सारी गैस होती है, अगर एक की बात करते हैं तो उसे पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, राइट। ये मैंने शायद 10th में ही बताया होगा रेस्पिरेशन में,
तो पार्शियल प्रेशर ये है मेरे पास. अच्छा तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अच्छा मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से. x राइट. तो x हो गया मेरे पास. अच्छा प्रोपोर्शनल को लगाओगे हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट. तो यहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट लगाया गया, वो डिपेंड करता है किस टाइप पे तुमने गैस ली है. तो ये है मेरे पास हेनरी कांस्टेंट. तो हेनरी कांस्टेंट तुमको क्वेश्चन में दिया जाएगा. दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू kh * में x. तो व्हाट इज x हियर? मोल फ्रैक्शन. तो ये मोल फ्रैक्शन किसका है? उस लिक्विड का है या उस गैस का है? गैस का है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है. और ये kh क्या है मेरे पास? दिस इज हेनरी कांस्टेंट. ठीक है. और ये p का मतलब क्या है? प्रेशर या कुछ और? पार्शियल प्रेशर. क्योंकि हम एक गैस प्रेशर. ये तो ठीक है भाई. कोई डाउट है इसके अंदर? भाई मैंने कुछ बोला था ना तुम लोगों से, तुम्हारे 5 मिनट खत्म नहीं हुए ना अभी तक. जुमला फेंकने में सब इतने नंबर वन है, तुरंत एकदम बस फेंक दो, कोई पैसे थोड़े जा रहे हैं. अभी भी बस बोल देंगे 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद फिर से वही कर देंगे. अनन्या, मनराल, अक्षत, तरफदार, विदुषी, कुश, इशिका, रितेश, श्रेया, दीक्षा, कृति, ऑन करो सबके सब वीडियो. मतलब क्लास में भी तो तुम लोग आते थे और यहाँ पे तो सिर्फ वीडियो ही ऑन करवा रहे हैं हम. और क्या करवाओगे सर? वीडियो सर, नेट ही नहीं चल रहा अच्छे से. वो बारिश का मौसम है ना इसीलिए. अच्छा ओ भाई, क्या एक बात बताऊं? एक बात बताऊं देगी. अब क्या बताऊं? वेरी गुड. बहुत मतलब तैयारी पहले से ही होती है कि ये तो बोल ही देंगे. इस बार ये हो गया, ये हो गया. इस बार आंधी आ गई, इस बार धूप बहुत तेज आ गई, इस बार बारिश आ गई. सर नहीं, एक बार स्टेबल होने दो तो कर दूंगी ऑन. ठीक है ठीक है. इंद्रधनुष निकल गया ना, इंद्रधनुष से नेटवर्क हिल जाता है. वेरी गुड. क्योंकि वो सतरंगी कलर जो होते हैं वो छील लेते हैं, उसकी पावर छील लेते हैं नेट की. अच्छा तुम तो बड़े खुश हो गए कुछ. इंद्रधनुष निकला ना कल, तो तुम्हारा फेवरेट कलर है मैंने सुना इंद्रधनुष. है मैंने सुना तुम्हारे पास शॉल भी है इंद्रधनुष जैसी. चलो चलो ठीक है. हाँ भाई, तो अब हमारे पास अच्छा ये अभी हेनरी लॉ तो हो गया, लेकिन हेनरी लॉ कभी कभी काम नहीं करता है. ये कोई हेनरी लॉ के अपने आप में कुछ लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन हो सकते हैं कोई बता सकता है? हेनरी लॉ बोला तो है लेकिन कुछ कंडीशंस पे हेनरी लॉ काम नहीं करता. अगर कोई भी एक गैस है, तुमने गैस डाली एक लिक्विड के अंदर, लेकिन वो गैस क्या कर गई? डिसोसिएट कर गई. वो गैस 3-4 हिस्सों में टूट गई. इधर कुछ और बन गया, इधर कुछ और बन गया, इधर कुछ और बन गया. तो अब तो 3 गैस हो गई. तो उस गैस के लिए काम नहीं करेगी ये. या मान लो तुमने 4 गैस डाली, 4 गैस मिलकर 1 गैस बन गई अंदर अंदर. तो ये कौन सा केस आ गया है? तो ये केस हो गया मेरे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला. राइट. गैस अगर मिल जाए तो उसे एसोसिएशन बोलते हैं, और गैस अगर टूट जाए तो उसे डिसोसिएशन बोलते हैं. सो व्हेनेवर देयर इज अ केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, तो उसके लिए हेनरी लॉ काम नहीं कर पाएगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो लिखो. यस सर. तो लिखो, हेनरी लॉ शुड बी एप्लीकेबल ओनली. हेनरी लॉ शुड बी एप्लीकेबल ओनली. तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है. एक कब? तो जब व्हेन देयर वुड बी नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. तो कोई भी एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, बहुत सारी गैस मिलके एक नहीं होनी चाहिए, और एक गैस मिलके बहुत सारी नहीं होनी चाहिए. जो जैसी थी वैसी की वैसी होनी चाहिए. ठीक है, डिसोसिएशन. अच्छा क्या अगर मान लो वो कोई गैस तुमने डाली और वो गैस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट ही कर गई बुरी तरीके से, और वो कुछ और ही टाइप का सॉल्यूशन बन गया. मतलब तुमने गैस डाली, वो गैस अब वहां पे है ही नहीं, वो गैस अब लिक्विड के साथ मिलके कुछ और ही बन गया. तो उसने को बताओ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करी या नहीं करी? करी. तो केमिकल रिएक्शन करी तो गैस बची ही नहीं, वो तो लिक्विड बन गई कुछ और अब उसके साथ रिएक्ट करके. तो एक कंडीशन और है, इट शुडंट अंडरगो एनी काइंड ऑफ केमिकल चेंज. तो वो केमिकल चेंज में नहीं जानी चाहिए. अगर गैस तुमने कोई डाली है, हीलियम गैस डाली, तो वो हीलियम ही रहे. वैसे हीलियम तो किसी के साथ मिक्स भी नहीं होती. ठीक है, तो शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. तो वो किसी भी केमिकल चेंज के अंदर नहीं जानी चाहिए. यहां तक कोई भी दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना हेनरी लॉ को पढ़ने का, इसका आता है मेरे पास एप्लीकेशन. की एप्लीकेशन क्या क्या है इसकी? तो देखो यार, इसकी जो एप्लीकेशंस आती है ना,
वो है हमारे पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक तुम ये जो पीते हो तुम, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, यस यस सर, इसमें जो आपने लिमिटेशन बताई है उसमें अगर जैसे टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो? हाँ 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 वो वाली कंडीशन, वेरी गुड, क्या बात है, तुम क्या चैप्टर पढ़ चुके हो क्या? अरे वाह बहुत सही कंडीशन बोली है। देखो हेनरी लॉ एक कंडीशन पे भी काम नहीं करता है, और वो कौन सी कंडीशन है, अगर तुम्हारा टेम्परेचर को ज्यादा ही कूल हो गया या तुम्हारा प्रेशर को ज्यादा ही हाई हो गया तो उस टाइम पे ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो अगर तुमने प्रेशर को हाई कर दिया तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो जब वो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वो गैस एक तरह से लिक्विड की तरह या वो सॉलिड की तरह वो बन सकती है या नहीं, क्योंकि तुमने हाई प्रेशर लगा दिया, हाई प्रेशर लगा दिया तो गैस के पार्टिकल तो पास पास आ जाएंगे ना, और अगर तुमने लो टेम्परेचर दे दिया तो फिर तो जो लिक्विड के अंदर तुमने डाला है वो लिक्विड सॉलिड बनने लग जाएगा, राइट, तो फिर तो सॉलिडिटी की बात ही नहीं रही। तो इसका मतलब हेनरी लॉ एक कंडीशन में और काम नहीं कर पाता, क्या, या तो तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाए बहुत ज्यादा हाई हो जाए, या प्रेशर अगर तुम्हारा बहुत हाई होगा तो उसके लिए भी काम नहीं करेगा, एंड एक कंडीशन जब तुम्हारा टेम्परेचर बहुत लो हो जाए मतलब बहुत ठंडा हो जाए तो उसके लिए भी ये काम नहीं करेगा। तो ये जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा तो उसके लिए भी हेनरी लॉ काम नहीं करता है। वेरी गुड कुश, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, यस वेरी गुड, ठीक है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? शट अप। हाँ तो अब मेरे पास है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो भाई देखो जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया, सबने नोटिस किया होगा, अभी मैंने बोला कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स तुम लेते हो तो उसके अंदर क्या होती है, अच्छा ये जो सोडा वाटर होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है इनके अंदर कौन सी गैस ज्यादा मिक्स होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन CO2 होती है भाई, नाइट्रोजन गैस कहाँ से आ गई? नहीं हाँ, तो जो सॉल्युबिलिटी, हाँ ठीक है, तो हमारे पास जो सीओ जो गैस होती है वो CO2 होती है, ठीक है ना, तो CO2 जो होता है उसको एकदम हाई प्रेशर पे सील करके रखते हैं, राइट, और जो टेस्ट आता है वो किसका आता है? CO2 का आता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब अगर तुम्हें CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है उस लिक्विड के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा जरा बताओ? प्रेशर इंक्रीज। हाँ तो इस कारण से हाई प्रेशर मशीनें होती है, मशीन को एकदम हाई प्रेशर के साथ फिल किया जाता है और उसको कैप लगा दी जाती है, तो इसका मतलब तो प्रेशर के साथ हम CO2 को बढ़ाते हैं तभी उसका एक यूनिक टेस्ट आता है, ठीक है। ये सुना होगा ना शायद कि कोको कोला पेप्सी वाले इनकी जो CEO है ये रेसिपीज किसी को बताते नहीं है, वरना तो कोई दूसरी कंपनी खोल लेगा, तो ये सिर्फ 3-4 लोगों को ही पता है वहाँ के फिक्स लोगों को, ठीक है, दो लोगों को सुना, दो लोगों का, ठीक है, क्या मेरे को लगा अरे इनकी रेसिपी कैसे बनती है कोको कोला पूरी कंपनी में, वरना ऐसे अगर मानो तुम्हें पता लगे तुम कंपनी नहीं खोलोगी कोको कोला 2 श्रेया सिंह तो समझ नहीं आएगा, देसी कोको कोला, ठीक है, पता लगे बोतल में बेचेगी। चलो प्लीज कंटिन्यू। ओके तो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो ये अलग आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो यार, जैसे बहुत ही हाई, जैसे केदारनाथ चले गए मान लो, ठीक है, जय जय शंकर तुम गाना गाते हो जा रहे हो, तो जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो वहाँ पे सांस नहीं आती, श्रेया को सांस नहीं आती, ओह माय गॉड समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, तो ऐसा क्यों बोल लेती है बताओ? बिल्कुल, देखो टेम्परेचर का रोल इतना कुछ खास फर्क नहीं करता है, टेम्परेचर से कुछ मतलब नहीं, देखो देखो हुआ क्या, चलो टेम्परेचर भी ले सकते हैं लेकिन मेन दिक्कत क्या है, ज्यादा टेम्परेचर में सांस ज्यादा आने लग जाती है। देखो 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 एक मान लो ये यहाँ पे है लड़का और एक लड़का एकदम हाइट पे पहुंच गया माउंट आबू पे, ठीक है, देखो पार्टिकल्स का जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज्यादा बढ़ता है, राइट, और यहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है, देखो सिर्फ इतना प्रेशर लगा, तो अगर यहाँ पे अगर प्रेशर कम है तो सॉलिडिटी ज्यादा होगी कम होगी, तो अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं है तो तुमको ऑक्सीजन ज्यादा आएगी क्या? नहीं, जब ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, तो जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, हार्ट बीट एकदम तेज तेज चलेगी, एनोक्सिया हो जाता है लोगों को सांस नहीं आती, लोग मास्क लगा के जाते हैं, आई मीन वो सिलेंडर जो छोटे छोटे लगाए जाते हैं ना ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है लोगों को, तो हाई एल्टीट्यूड पे लो ऑक्सीजन क्यों हो जाती है? क्योंकि प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर एकदम हाई है, तो प्रेशर हाई है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी हाई है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो हाई एल्टीट्यूड पे एक बीमारी हो जाती है लोगों को, क्या बोलना चाहिए उसे? देखो ये बायो वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा, तो ये ऐसा भी टॉपिक पढ़ा था लोगों ने, तो एनोक्सिया हो जाता है, एनोक्सिया का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाना,
ठीक है, तो एनोक्सिया, इससे एंजाइटी होती है बहुत गंदे, एकदम सांस एकदम। तो अस्थमा किसको बोलते हैं? अस्थमा अलग चीज है, अस्थमा तो लंग की डिजीज है। अस्थमा का ऑक्सीजन की कमी, जैसे मान लो अस्थमा वाले पेशेंट अगर सिगरेट पी ली तो उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है। तो अस्थमा ब्रोंकियोल से इन्फ्लेमेशन की डिजीज है, वो तो बायोलॉजिकल हो गया। ये एक टेम्पररी कंडीशन है कि अगर तुम यहाँ पे चले गए तो तुम्हें भी ये सब दिक्कतें होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जब तो होता है ना जो खून भेजते हैं, सॉरी ऑक्सीजन भेजते हैं खून में, हाँ वैसे वो एल्वोलाई करता है, वो ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वोलाई बनाता है। अरे हाँ ये क्या छोड़ देना भाई, ठीक है ठीक है। तो देखो अब इससे क्या होगा, तो ये एनोक्सा जो होगा तो ये क्या कर देगा बेसिकली, तो विच मेक्स यू वीक, मतलब उस टाइम के लिए आप कुछ सोच नहीं पाओगे, कुछ सोच नहीं पाओगे, तुम तो अभी भी नहीं सोच पाते हो तो उस टाइम पे तो क्या ही सोचोगे, ठीक है। तो कुछ सोच नहीं पाओगे, तुम्हें वीक सी फीलिंग आएगी, एकदम कुछ उल्टी सीधी हरकतें करोगे जो तुम वैसे भी करते ही हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एनोक्सिया। व्हाई यू टारगेट सर? आई एम टारगेटिंग नोबडी। यस, तो अब हमारे पास क्या है, देखो अब ये तो हो गया माउंटेन की बात को लेके, लेकिन मान लो अगर मेरे पास कहीं पे भी समुद्र है, ठीक है, जैसे स्कूबा डाइवर्स का नाम सुना है सब लोगों ने, yes, sir. जैसे मान लो, जैसे मान लो श्रेया ने कुछ भी करा, जैसे मान लो कोई इसका दुश्मन था, इसने अपने दुश्मन को समुद्र के अंदर फेंक दिया, बताओ ये क्या बात है। तो इसने समुद्र के अंदर फेंक दिया, तो अब फाइनली ऐसा है कि भाई अब वो कोई था, इसने उसको फेंक दिया यहाँ पे, तो अभी स्कूबा डाइवर नीचे गए, तो स्कूबा डाइवर नीचे गए नीचे गए नीचे गए, तो पता लगा वो एक छोटी सी गुड़िया थी, गुड़िया इसकी बात नहीं मानते थे, तो उसने गुड़िया का गर्दन तोड़ के नीचे फेंक दिया था, बताओ। और उसने, और क्या दिक्कत आ गई थी, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तो अब ऐसी है, बदला लेती है, चलने ड्राइवर को उसको भी साथ में लेके जाना। तो अब स्कूबा डाइवर्स को दिक्कत आई, क्योंकि स्कूबा डाइवर जब नीचे गए तो स्कूबा डाइवर्स को अलग ही चीज, देखो अब ध्यान सुनो सारे बच्चे, अब तुम सरफेस से ऊपर गए या सरफेस से नीचे आए, सोचो नीचे। अब अगर सरफेस से नीचे आए हो तो बताओ प्रेशर बढ़ गया होगा या प्रेशर कम हो गया होगा या उतना ही रहा होगा? बढ़ गया होगा। अब प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, अब देखो प्रेशर बढ़ गया तो देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, एकदम नाइट्रोजन का जो कंटेंट है ना, तो वो एकदम फिक्स है, नाइट्रोजन का एक फिक्स कंटेंट है, ऑक्सीजन का एक फिक्स कंटेंट है, हीलियम का, मतलब और भी गैसेस का, बहुत सारी गैसेस है, उनका एक फिक्स कंटेंट है। लेकिन अब जब तुम सिलेंडर के अंदर वही सारी गैस लेके जाओगे, तो देखो जब तुम नीचे जाओगे ना, तो नीचे जाने पे अब जो नाइट्रोजन गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन है, सबको पता है राइट? तो अब जब तुम उतनी कंटेंट नाइट्रोजन लेके जाओगे तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, तो जब तुम सांस ले रहे होगे तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आएगा, और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा आएगा तो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन तो जा रहा है, लेकिन साथ में एक गैस और मिक्स हो जाएगी, बताओ कौन सी? नाइट्रोजन। तो अगर तो, और नाइट्रोजन हमारे लिए ठीक गैस है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में लेना बुरी गैस है। नाइट्रोजन अगर ठीक ठाक अमाउंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं इतनी, लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में चले जाए, बहुत ज्यादा कंटेंट में चले जाए, तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उससे हमारी बॉडी को, हमारे जो आरबीसी होते हैं वो बहुत इल इफेक्ट कॉज कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट होता है नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में। तो क्या वो अच्छी बात है फिर? No, तो अब हमें, अब वो हमारे आरबीसी जितने भी हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन ना कर पाए, तो मुझे एक ऐसी गैस चाहिए कि जिसमें मैं नाइट्रोजन को कंटेंट को कम करके एक वाली गैस डाल दूं, और वो गैस मेरे मेरे आरबीसी के साथ कंबाइन भी ना कर पाए, बताओ वो कौन सी गैस लूंगा मैं? आर्गन। आर्गन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, हीलियम। हीलियम ले सकता हूँ। तो हीलियम क्या होगा, देखो नाइट्रोजन 78 था, तो नाइट्रोजन को तो कंटेंट को कम करके उतने परसेंट की जगह मैं क्या रख दूंगा, हीलियम। तो हीलियम भी गैस है, अब जब मैं हीलियम लूंगा भी तो क्या हीलियम मेरे आरबीसी के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, या और जितने भी पिगमेंट्स हैं उनके साथ कंबाइन कर पाएगी क्या? मतलब तुमने गैस तो ली है, लेकिन उस गैस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करती, तो गैस की गैस हो गई, और नाइट्रोजन कंटेंट भी कम हो गया, तो हमारा पर्पज सर्व हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. तो वो जो सिलेंडर लगा के जाते हैं पीछे, तो बताओ उसके अंदर हीलियम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन क्या रियल लाइफ में हीलियम गैस है कि देखो देखो हीलियम आ गई? तो हमारे पास टू अवॉइड दी टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ, अरे आज मैं एक चीज देख रहा था यार इंस्टाग्राम पे, वो उसके पापा यार उसे कितने बुरी तरीके से मार रहे थे यार। अरे है नहीं, अच्छा एक सेकंड, ये मुझे एक सच से बताओ, ये क्योंकि कौन है वैसे ये? तो मैं, चलो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं हिमांशु को नहीं बताऊंगा, लेकिन बता दो ऐसी मेरे को पर्सनली बता दो। क्या
ये पेज में पेज वेज कौन चला रहा है? ये देखो कितना एक्साइट हो रहा है रनिया ही है। अरे तू रे प्रूव प्रूव दिखा दूंगा फिर तू कहेगा भाई क्या कर दिया क्या कर दिया। ये मुझे लग रहा है तुम दोनों ही चला रहे हो ना ये कुछ इतना फालतू टाइम नहीं है सर। इतना एक्टिव रहता है रोज कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ उसके अंदर लड़कियां। और मैंने उसको कमेंट कर रखे मेरा रिप्लाई भी नहीं कर रहा है वो तुम में से कोई है ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। ना ना मेरे पे तो हंस के इमोजी डालता है। अच्छा आ नहीं है मेरा तो रिप्लाई नहीं आता। अच्छा चलो इसे छोड़ो तो हमारे पास क्या है तुम उससे बात करते हो इसका मतलब? नहीं मैंने कमेंट करा था तो पता नहीं उसने हंसने वाली इमोजी भेज दी। अच्छा नॉट अच्छा, बात करता है कहता भाई जरा चलो चुप हो जाओ। अच्छा तो तुम दोनों खुश हो ना चलो ठीक है इनडायरेक्टली सही लेकिन ठीक है तुम कनेक्टेड रहो। तो देखो अब हमारे पास क्या है टू अवॉइड द टॉक्सिक अफेक्ट्स हमें किसको कम करने है? अच्छा किसके टॉक्सिक अफेक्ट को कम करने है मुझे कोई बता सकता है? नाइट्रोजन। यस नाइट्रोजन हाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को तो इसीलिए स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं जो पानी के जो तैराक होते हैं जो वो उसकी डॉल को लेने के लिए गए थे ठीक है तो जो टैंक लेके जाते हैं उस टैंक के अंदर हम क्या करते हैं तो द टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद तो जो एयर तो है ही है साथ में ठीक है और साथ में वो क्या क्या चीजें यूज करेंगे तो एयर जो वो अब देखो एक तरह से वो अपने सिलेंडर के अंदर एक आर्टिफिशियल एयर लेके गए हैं ना। देखो वो हमारी बॉडी को थोड़ी पता है कि तुम पानी के अंदर आ गए हो। अगर बॉडी को वो सब चीजें मिलती रहे जो तुम्हें एयर के अंदर मिल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो वो जान पूछ के एयर के किस चीज को लेके चले जाएंगे। तो देखो कुछ परसेंट है तो अराउंड 11% तक तुम्हें क्या लेके जाना होता है हीलियम अराउंड ठीक है ऐसे 56% तक को तुम्हें क्या लेके जाना होता है नाइट्रोजन और 32% तक तुम्हें क्या लेके जाना होता है ऑक्सीजन। अगर ये हीलियम नहीं होती तो मैं सारा कंटेंट क्या कर देता इसका नाइट्रोजन का लेकिन उससे दिक्कत हो जाती है तो ऑक्सीजन तो है ही है फिक्स मेन हीलियम को हमने कर दिया। अच्छा हम हीलियम को ही क्यों ले रहे हैं एक सेकेंड हाँ आर्यन हम हीलियम को ही क्यों ले रहे हैं बताओ? हाँ बताओ सर क्योंकि हीलियम जो होती है वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन जो होगी वो एक्सेस अमाउंट में अगर हम लेंगे तो बहुत टॉक्सिक हो जाएगा मतलब बॉडी मतलब चीजें काम करना बंद कर देगी तो हम हीलियम लेते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करती है। अच्छा तो सही बोला है क्या इसने रितेश खुद नहीं बता बोल देना हाँ बिल्कुल सही बोला है ठीक है ताकि नाइट्रोजन के उसके बच सके हम टॉक्सिक अफेक्ट से तो इसलिए हमने हीलियम ले लिया विच इज अस्टेबल विच इज नोबल ओनली ठीक है। तो भाई यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? यस पीपल अरे भाई यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? नो सर। अब देखो अब यहाँ तक हमारा पार्ट हुआ इसका ये 1/3 पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है इस चैप्टर का ठीक है। अब जो पोर्शन आ रहा है ना अब वो थोड़ा सा आ रहा है जो चीजें तुमने 11th में पढ़ी है तो अब जो मैं पोर्शन लेने वाला हूँ वो पूरा का पूरा 11th का कंटेंट है और आई होप तुम लोगों को वो चीज पहले से पता है। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है दोबारा लेने का लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कुछ है हमारे पास बच्चे श्रेया जैसे तो मुझे लेना चाहिए ठीक है। व्हाई यू टारगेट सर व्हाई आर यू टारगेटिंग सर हाँ तो हमारे पास क्या है तो देखो अब हमारे पास सबसे पहले आ रहा है। अच्छा देखो किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो अच्छा तुम एक सेकंड में टारगेट किसी और को कर रहा हूँ और बोल तुम रहे हो सच सच बताओ अरे क्या अरे हेलो सर कैसे कितने गंदे आदमी सर आप अरे तुम ऐसे कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम माइंड योर लैंग्वेज सॉरी सर लेकिन मैं तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ क्या अभी गाना बजेगा बड़ा वो अच्छा हमारे पास आ रहा है मास परसेंटेज और थोड़ी जवान पे कंट्रोल रखो बोलना सीख लो किससे तुम क्या बात कर रहे हो तुम टीचर नहीं हो टीचर मैं हूँ। अरे अरे हाँ एक मेरे पास है रुक जाओ तुम्हारी ये बात रिकॉर्डिंग करके भाई आगे फॉरवर्ड कर देना पता लग जाएगा तुम्हें फिर हाँ हमारे पास ये मास परसेंटेज है। अब अगर मुझे किसी का मास देखो अब हम ये चीजें क्यों निकाल रहे हैं अब हम चीजें निकाल रहे हैं कंसेंट्रेशन ठीक है ना तो अगर मैं कंसेंट्रेशन निकालूंगा तो देखो कंसेंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं तो एक एक कुछ कंसेंट्रेशन तुमने 9th क्लास में सीखा था याद है मास परसेंटेज W/W परसेंटेज एक निकाला था W/वॉल्यूम परसेंटेज ये था 9th क्लास में याद आया इस मैटर राउंड अस प्योर
फिर जब तुम 11th में आए तो 11th में तुमने नई नई चीजें सीखी, मोल फ्रैक्शन तुमने सीखा, मोलैरिटी तुमने सीखी, मोलैलिटी तुमने सीखी, नॉर्मैलिटी सीखी, शायद नॉर्मैलिटी शायद मैंने नहीं कराई थी उस टाइम पे, तो मुझे याद है, इस बार तो करवाई है, पर करवा देंगे तुम्हें ये भी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब हम कॉन्सेंट्रेशन निकालने के तरीके हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? तो मास परसेंटेज कैसे निकालते होंगे जरा बताओ। अच्छा मान लो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉलिड और सॉल्वेंट से, राइट? यस और नो? यस। अब मास परसेंटेज देखो, ये बहुत सिंपल चीजें हैं और ये एग्जाम में कभी आएंगी भी नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये 9th क्लास में आता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन के अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मेरे पास जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों और इनटू में 100। तो बताओ ये मेरे पास मास बाय मास है या मास बाय वॉल्यूम है? मास बाय मास परसेंटेज है, राइट? सिंपल है बच्चों वाली बात है, तो ये मास परसेंटेज हुआ। अच्छा अब अगर मुझे निकालना हो, जैसे मान लो मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो, तो वॉल्यूम के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम के लिए मेरे पास जाएगा, देखो अब मुझे वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना है तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो वॉल्यूम है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय, तो वॉल्यूम किसका, देखो ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ 100 ग्राम, ये फिक्स है मेरे पास सॉल्यूशन का, ऐसी ये जो मैं अब लिख रहा हूँ सॉल्वेंट का, आई मीन सॉल्यूशन का, ये भी मेरे पास फिक्स है 100 ml का, राइट? और इनटू में 100, तो ये मेरे पास क्या निकला है, m बाय m या v बाय v? सिंपल सी चीज है यार, ये वाले फॉर्मुले में किसी कोई दिक्कत नहीं और ये कभी आएगा भी नहीं। अच्छा अगर मुझे बोलना हो जरा बताना, अभी तुमने दो चीज सीख ली, अगर मैं तुमसे बोलू मास बाय वॉल्यूम निकालो, तो मास बाय वॉल्यूम क्या निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। हाँ तो सॉल्यूशन और वो भी कितना ml लेंगे, 100 ml लेंगे, 100, ठीक है? 100. तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वो कैसे निकल जाएगा मास बाय वॉल्यूम? तो सिंपल ही मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अरे किसकी आवाज आ रही है घर से, सॉल्यूशन और इनटू में 100। तो ये चीज थी बहुत ही बच्चों वाली और ये चीज तुम पहले से ही पढ़ चुके हो जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में पानी आता है, तो तुम्हारे घर में जो अब आ रहा है मेन चीज, तुम्हारे घर में जो पानी आता है उसमें सोडियम पोटेशियम ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? जो पानी आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिनरल्स ये सब चीजें ऑलरेडी एडिड होती हैं उसके अंदर, तो अगर ये सब चीजें ऑलरेडी उसके अंदर एडिड है, तो ये बताओ ये जैसे 1000 ml तुम्हारे पास वाटर है, 1000 ml या 1 liter बोलू, 1 liter तुम्हारे पास है, तो अगर 1 liter पानी है तो उसके अंदर ये सब चीजें किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, ग्राम के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, केजी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, या मिलीग्राम के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, क्या लगता है? ग्राम। पोटेशियम मतलब 1 liter पानी के अंदर पोटेशियम ग्राम में प्रेजेंट रहता है, ये कह रही हूँ ना, मिलीग्राम सोच लो एक बार, मिलीग्राम या ग्राम या फिर केजी, केजी भी हो सकता है, क्या पता 25 kg, हाँ हाँ क्या पता, सोच लो, मुझे नहीं पता भाई। यस दीक्षा तुम बताओ, केजी ग्राम या मिलीग्राम या फिर कुछ और जो हमें पता ही नहीं है, कुछ नया भी हो सकता है ना, मिलीग्राम, मिलीग्राम तो पूछा गया आपने। अरे भाई 1 liter मेरे पास पानी है, 1 liter पानी के अंदर उसके अंदर चीजें आयंस होती हैं, कैल्शियम होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सब पानी के अंदर होता है, तो ये सब वो अमाउंट किस में रहता होगा, मिलीग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, केजी पर लीटर में, या फिर क्विंटल पर लीटर में, क्या सा बताओ सोचो। क्विंटल लग रहा है मुझे तो कुछ कुछ, yes. कौन से पानी नहाने की बात नहीं हो रही है, तुम चुप हो जाओ, पीने की बात चल रही है। हाँ कृति, अरे ये तो बच्चों वाली बात है, रितेश तुम बताओ। सर मिलीग्राम। यस मिलीग्राम, तो मिलीग्राम के अंदर होता है भाई, मिलीग्राम बहुत छोटा कंटेंट होता है, कभी देखा नहीं है क्या, जितनी भी चीजें खरीद के लाते हो पीछे क्या लिखा होता है, मिलीग्राम, ग्लूकोज का कुछ भी बॉटल वॉटर खरीद के लाओगे, जो भी चीज तुम खरीद के लाते हो उसमें मिलीग्राम लिखा होता है, ग्राम नहीं, ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मिलीग्राम के अंदर चीजें प्रेजेंट, जितना भी कंटेंट तुम खरीद के लाते हो घर का
उसके पीछे जो भी चीजें लिखी होती है वो मिलीग्राम के अंदर ही लिखी होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, तो अब मिलीग्राम देखो, अब तुम्हें पता है कि 100 मतलब 1000 ml के अंदर कितने ग्राम होते हैं, जरा बताना एक बार। 1000 ग्राम, अगर एक लीटर को तुम एक तरह से एक केजी की तरह डील करो तो एक केजी के अंदर एक तरह से कितने होते हैं मेरे पास, 1000 ग्राम होते हैं। Yes, sir. अच्छा, और एक ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, एक ग्राम के अंदर कितने 1000 मिलीग्राम होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हजार का भी हजारवा पार्ट है, राइट? मतलब हजार और उसके अंदर एक और हजार, तो ये एक जैसे मान लो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ppm हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, की इसका मतलब कि एक लीटर के अंदर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2.5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये मिलीग्राम का मतलब ये इसका 10/6 पार्ट हुआ ना, मतलब 10^6 पार्ट हुआ ना ये इसका, isn't it? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 1000 के अंदर 2.5 ग्राम, तो ये तो है कि तरह से मतलब क्योंकि वो 1000 तक जाएगा, अब वो तो उसका भी 1000 वा हिस्सा है, बहुत छोटा, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब वो 10^6 तक हम मेजर कर रहे हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो कुछ लोग बोलते हैं इसको यूनिटी ppm बोलते हैं, और अगर मैं, अच्छा अगर मैं ppm को ये बोलूं मिलीग्राम पर लीटर, तो ये सही है या गलत है कि ppm को कुछ भी देखना तो उसे मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं, ग्राम पर लीटर में नहीं, तो ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या लगता है? अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ। तो सारे बच्चे लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मिलियन पार्ट है, इसलिए पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मुझे ppm निकालना होगा, तो ppm निकालने का क्या मीनिंग होगा, तो सिंपल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको लिखना है, जो कि किसमें होगा, मिलीग्राम में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, एक बार रिपीट कर दीजिए, हाँ हाँ हाँ, और इनटू 10^6 अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये 10^6 ना एक्चुअली में टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के नीचे था, लेकिन उसको हम ऊपर लेकर आ सकते हैं, राइट? भाई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 10^6 था ये, लेकिन इसे हम ऊपर लेकर आ गए, तो इनटू 10^6 हो गया, नहीं हो गया? आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे पास क्या है ppm के बारे में। तो जितने भी तुम कभी भी तुम अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे, आगे जाके केमिस्ट्री में कुछ करोगे, तो जितने भी तुम कटाइनिक अनायनिक टेस्ट करोगे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट, जितने भी टेस्ट तुम करोगे, तो वो सब किसमें निकालोगे, तुम पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब मिलीग्राम पर लीटर में ही निकालोगे, क्योंकि ये बहुत थोड़े से अमाउंट में होते हैं। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी मैं बताई चुका हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मोल फ्रैक्शन में। ये सब चीजें हम क्या पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम कैसे कैसे चेक करते हैं, राइट? क्या क्या फैक्टर्स है, किस किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम सॉल्यूशन में, केमिस्ट्री में यही सब चीजें होती है। तो देखो, अब मेरे पास को क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर के नंबर ऑफ मोल चाहिए, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इजंट इट? यस और नो? यस सर। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, the number of moles of component divided by the number of moles of component divided by total number of moles divided by total number of moles is called mole fraction. देखो, एक लिक्विड है मान लो, ठीक है, इसके अंदर तुमने दो चीजें डाल रखी है, तो एक येलो कलर की और एक ऐसे पिंक कलर की है, ठीक है? तो ये मेरे पास मान लो ये बी है, और ये ऐसे येलो कलर का क्या है मान लो मेरे पास ए है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ए के भी होंगे और नंबर ऑफ मोल्स बी के भी होंगे, यस और नो? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सिर्फ ए का, तो ए का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, राइट? Na प्लस का Nb? अच्छा, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
कुछ कुछ याद है या नहीं याद है? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, देखो गिवन मास को हम दिखाते हैं डब्ल्यू से और मोलर मास को हम दिखाते हैं कैपिटल से, तो गिवन मास मोलर मास, ऐसे इसका भी वो तो वही सेम ही है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अच्छा अब बी का निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, गिवन मास और ये हो जाएगा मोलर मास। याद आया किसी को, ये 11th में था ना, तो जब भी हमें नंबर मोल निकालना होता है तो वो वैसे करने की जरूरत नहीं थी, इतना ही याद रखना था। ऐसी इसका हो जाएगा मेरे पास, अगर सेकंड कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस का एन बी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है भाई? नो सर। तो ये है सिंपल मेरे पास मोल फ्रैक्शन। तो ये सब चीजें हमको ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है। अच्छा अब मेरे पास आता है सबसे इम्पोर्टेंट वन, जो कि आगे वाले कैलकुलेशन में भी यूज होगा, तो ऑफ कोर्स यू नो इट आई गेस, मोलैरिटी। सबसे इम्पोर्टेंट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस, तो मोलैरिटी क्या होगा, याद है सबको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट? 1000 ml बोलो या 1 liter बोलो, इजंट इट? तो सारे बच्चे लिखे, ये पूरी 11th क्लास की डेफिनेशन है और कुछ नहीं, पूरा कंटेंट 11th का है। देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter, प्रेजेंट इन 1 liter ब्रैकेट में लिखना 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 liter एंड इन ब्रैकेट राइट 1000 ml इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला लिखवाया था, याद है किसी को? अच्छा इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे एम से कैपिटल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो अपना यहाँ पे ना चीजें एक्चुअली थोड़ी सी अलग है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कौन ज्यादा होता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। तो देखो तो सॉल्यूट को हमेशा हम क्या लेके चलेंगे, ध्यान रखना बी, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, कम, और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, तो सॉल्वेंट को हम लेके चलेंगे ए। ज्यादा कंफ्यूज मत करना, एक्चुअली तुम्हारी एनसीईआरटी ने ऐसे ही कर रखा है तो तुम्हें भी वैसे ही कर चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना ए क्या होता है मेरे पास हमेशा, सॉल्वेंट, और जो बी होता है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट। जैसे किसी का ए ग्रेड आया किसी का बी ग्रेड आया, तो ए ग्रेड अच्छा होता है, ए अच्छे का मतलब ज्यादा, तो वो सॉल्वेंट है, बी ग्रेड आया तो वो गंदा है, इसका मतलब सॉल्यूट कम होगा। तो अब अगर ये सॉल्यूट है मेरे पास तो मुझे एन के आगे क्या लिखना चाहिए, ए या बी? सोच लो, बी लिखना चाहिए क्योंकि वो सॉल्यूट है, और मेरे पास क्या है, इन 1 liter सॉल्यूशन, तो 1 liter सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 ml लिख सकता हूँ, मतलब सॉरी 1 liter, ये 1 liter है ब्रैकेट में, नहीं आया कुछ समझ। तो ये तो सिंपल एक फॉर्मूला हो गया दिखने में, तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर ये फॉर्मूला तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो बहुत सिंपल सा है, हमारे मैंने तो कुछ ऐसा लिखवाया था, वो इसलिए लिखवाया था क्योंकि नंबर ऑफ मोल को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट? तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा अब अगर ये ऐसे कर दिया तो, और उसको मान लो अगर ml में दिया हो सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा ml डिवाइडेड बाय 1000, isn't it? अगर लीटर में करना है 1000, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास फिर, wb into में 1000 डिवाइडेड बाय mb into में vml, yes or no? तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, ये वाला मेरे पास फोटो फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी। ठीक है, ये सब चीजें आपको दी जाएंगी और ये सब आपको उस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। वैसे मोलैरिटी का यूज करना है हमें यहाँ इस चैप्टर में। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई? नो सर। नो सर। रितेश ये सब तो पढ़ा होगा 11th क्लास में, राइट? यस सर। अच्छा तो अब अगर ये तो हुई मोलैरिटी, अगर मुझे मोलैरिटी देखनी हो तो मोलैरिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नीचे क्या चेंज हो जाता है बताओ? एक तो मास लेते हैं और ऊपर से सॉल्यूशन की जगह पे क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, राइट? तो सारे बच्चे लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोलैलिटी में, ऊपर तो सेम है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन नीचे क्या है, जैसे वहां पे वॉल्यूम था वो भी सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे नीचे है मतलब टोटल सॉल्वेंट का, आई मीन सॉल्वेंट तो टोटल नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट, और वो भी उसका कह लेंगे मास। हाँ तो 1 kg के लिए, तो लिखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ डायरेक्ट लिखता हूँ तो एन बी। अच्छा इस बार तो सॉल्वेंट आ गया, राइट?
तो अगर इस बार सॉल्वेंट आ गया तो इसका जो इस बार मैं मास लिखूंगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो बताओ उसके मास को मैं ए लिखूं या बी लिखूं? ए लिखूंगा। तो अब देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो अभी मेरे पास आएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास डिवाइडेड बाय अच्छा ये क्या है 1 kg के। अच्छा कुछ टीचर ना इसको एम के जगह पे क्या लेते हैं, डब्ल्यू लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मोलर मास को हम कैपिटल से कर रहे हैं, तो इसको बेटर रहेगा हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, क्योंकि ये तो मास है ना वैसा, तो 1 kg हो गया। तो अब ये मेरे पास ये अगर मान लो मैंने ग्राम में ले लिया तो ग्राम में ले लिया तो 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इज दैट क्लियर? तो अब इसको अगर हम ये 1000 को ऊपर लेकर आएंगे अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे तो डब्ल्यू ए लिख लिया, यहाँ पर तो मैंने डब्ल्यू ए लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने नीचे कुछ नहीं लिखा ए और बी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पूरे सॉल्यूशन वो पूरे सॉल्यूशन का, और पूरे सॉल्यूशन में ए और बी तो कुछ होगा ही नहीं, सॉल्यूशन मिक्स हो गया ना, अगर जब तक वो सेपरेट नहीं होगा तब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब वो सेपरेट होगा तब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बस बस 2 मिनट और दो, बस 2 मिनट और। तो ये तो हो गया चलो मोलैलिटी, ठीक है भाई। तो मोलैलिटी, अच्छा तो मोलैलिटी में मास बाय मास है एक तरह से, या आई मीन मतलब नीचे मास बाय हटाओ, नीचे मास है या नीचे वॉल्यूम है मोलैलिटी में? मास, मास और मोलैलिटी में वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो इसका मतलब टेम्परेचर से कौन अफेक्ट होता होगा? मोलैलिटी, मोलैलिटी, क्योंकि वो वॉल्यूम है, टेम्परेचर से वॉल्यूम अफेक्ट होता है, तो मोलैलिटी अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी वैसे है नहीं एनसीईआरटी में, बट स्टिल यू शुड नो इट। तो नॉर्मैलिटी है मेरे पास, तो नॉर्मैलिटी को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। अच्छा देखो ये नॉर्मैलिटी मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास ना सॉल्यूड, जैसे सॉल्यूड होते हैं तो ये बोलता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूड प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले ना सारे बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सीख लें कैसे निकालते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इस ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो जिसका जो भी कोई मास है, मतलब कोई भी गिवन मास, तो मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। आई बताऊंगा कैसे निकालना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट, ये एक सेकेंड प्रॉपरली लिख देता हूं, हाँ, तो अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो डेट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो इससे क्या निकल जाता है मेरे पास, किसी के भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी मास है और उसको हम किससे कर देंगे, इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट मास, ठीक है भाई। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो देखो इक्विवेलेंट मास कैसे, मान लो HCl है यार, ठीक है, तो HCl जरा बताना हमको कितने कितने H प्लस देता होगा HCl है, तो एक देता है, तो हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हुआ, देखो HCl, और देखो HCl का मास कितना होता है 35.5 प्लस का 1, तो 36.5, तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये किसका इक्विवेलेंट मास क्या हुआ, 1 हुआ। अच्छा मुझे बताओ NaOH है, NaOH में कितने OH देता है, 2 देगा, तो H2SO4 का मास यहाँ लिखो और नीचे 2 कर दो, तो वो उसका हाफ हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो जो भी जिसका मास होता है उसके एक तरह से वैलेंसी से, मतलब वो कितने H+ दे रहा है, कितने OH दे रहा है, कितनी उसकी बेसिसिटी है, कितनी उसकी एसिडिटी है, उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, ठीक है भाई, इज दैट क्लियर। तो जितना भी गिवन मास होगा और अगर तुम उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दोगे तो वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट। कोई बात नहीं भाई, जो क्वेश्चन करोगे तो उससे चार चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सारे बच्चे नॉर्मैलिटी में लिखें, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर
प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी, इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी। ठीक है भाई। अच्छा तो अब ये तो चलो मेरे पास हो गया। अब इसकी तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये मेरे पास n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, राइट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया है, सॉल्यूशन लिखवाया, तो टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन के लिए, और इनटू में 1000। ठीक है ना। अच्छा ये 1000 मैंने क्यों लिखा ऊपर, इसका मतलब ये वॉल्यूम मैंने ml में लिया होगा या 1 लीटर में लिया होगा? ml। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट ये एक सेकेंड। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, यस, तो टोटल वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये मैंने जो 1000 ऊपर लिख दिया, तो इसका मतलब ये 1000 पहले नीचे रहा होगा, और अगर ये नीचे रहा होगा तो ये बताइए टोटल वॉल्यूम मेरे पास ml में रहा होगा या लीटर में रहा होगा, सोचो। ml, ml में रहा होगा, तभी तो ये 1000 ऊपर पहुंच गया। यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा, और ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना एक बार। बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, कैन आई से मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे लिख दिया, बाकी सारा तो वैसे का वैसे रहेगा। तो टोटल वॉल्यूम इन ml और इनटू में 1000। यस और नो एवरीबॉडी? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मैलिटी। इशिका, तरफदार, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। तरफदार, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो अरे तरफदार तुम्हारी वीडियो दिख रही है, ऑफ करो इसे फास्ट। ठीक है, तो चलो ये तो इतना हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन लिखे, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे। 50 ml ऑफ 0.1 N, सारे बच्चे लिखे एक बार। 50 ml ऑफ 0.1 N H2SO, H2SO4 is given. 50 ml ऑफ 0.1 H2SO4 is given to you, is given. Then find the number of moles of solute. Then find the number of moles of solute. तो हमें number of moles of solute निकालना है यार। तो क्या मैं number of moles of solute निकाल पाऊंगा क्या? क्या लगता है? सर, इक्विवेलेंट रेट निकाल के फिर उसके बाद n into moles equals to इक्विवेलेंट रेट होता है, उससे निकाल लेंगे। अच्छा देखो, सबके पास फॉर्मूला तो दिख ही रहा है। एक सेकंड, मैंने नंबर ऑफ मोल पूछ लिया ना तुमसे, एक सेकंड। देखो सबसे पहले बताओ, तुम्हें नॉर्मैलिटी पता ही नहीं पता अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अच्छा, और तुम्हें इक्विवेलेंट अगर, अच्छा ये इक्विवेलेंट, एक सेकंड, मैंने H2SO, अच्छा मैंने तुम्हें ये नहीं दिया, सॉल्यूट नहीं दिया। यार एक सेकंड, क्वेश्चन काट दो, मैंने एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन बना लिया, एक सेकंड काटो इसे, मैंने रैंडमली दे दिया है, एक सेकंड रुको मैं अभी। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया अभी जितना भी करवाया? तो ये हाँ तो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा सर? हमें वॉल्यूम दे रखा है, हमें नॉर्मैलिटी दे रखी है, हमें मास H2SO4 का मास निकाल, अच्छा H2SO4 का मास नहीं दे रखा ना, तो निकल जाएगा अगर मास अगर निकालना हो तो? नहीं होगा सर। नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ जाएगी ना सर, एन फैक्टर पता है हमें। ठीक है, तो हटाओ अभी क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, अभी नहीं हो पाएगा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि नॉर्मैलिटी क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है इतने पोर्शन के अंदर।
वैसे नॉर्मेलिटी सीबीएसई के अंदर है नहीं, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए, तो बस फॉर्मुला याद रखना। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, यहीं पर ही खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में करें, खत्म कर दो ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक तुमको वेकेशन मिले एक हफ्ते का आईएलसी से भी, मे बी प्रपोजल आया है आगे से, तो तुम क्यों कर रहे हो बत्ते मुझे? अच्छा प्रपोजल के नाम से खुश हो गए भाई, छुट्टियों का प्रपोजल है, ठीक है। चलो भाई तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो भाई ये वाले चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन इतना कोई समझने वाला है नहीं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप ही टॉपिक समझ में आ जाते हैं, और थ्योरी और इसके अंदर थ्योरी भी अच्छा, तो मैं तो वो भी थी उसमें बेकार लग रहा था ऑर्गेनिक वाला, और ये भी खराब लग रहा है। नहीं ऑर्गेनिक तो अच्छी है, ऑर्गेनिक अच्छी है, ये तो नहीं कोई बच्चा था ना यहाँ पे जिसको ऑर्गेनिक बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं कौन है वो, श्रेया को तो पसंद है, इसको वो पसंद नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखो हमारा ये खत्म हो गया है, इसके बाद हम रॉल्स तो पढ़ेंगे, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक बचेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।